बॉलीवुड में दोस्तों और दुश्मनों की बिल्कुल कमी नहीं है। बड़े बड़े सुपरस्टार्स एक दूसरे से दुश्मनी पाल बैठते हैं और इसी फहरिस्त का नाम है अक्षय कुमार और अजय देवगन। बॉलीवुड में इनकी दुश्मनी की चर्चा तो ज्यादा नहीं होती, लेकिन एक लंबे समय से ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं, जिसकी शुरुआत हुई थी डायरेक्टर राजकुमार संतोषी की फिल्म खाकी से। दरअसल अक्षय कुमार और अजय देवगन दोनों ने ही पब्लिकली एक दूसरे पर इल्जाम लगाया था कि इन दोनों ने ही एक दूसरे के सीन्स काटने की कोशिश की थी ताकि सामने वाले का किरदार ऑन स्क्रीन ज्यादा पावरफुल लगे। हालांकि इन दोनों की ही बातों में ज्यादा दम नहीं था, लेकिन इनकी दुश्मनी यही खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद 2012 में रानीगढ़ के कोल माइन इंसिडेंट पर जब अजय देवगन ने पिक्चर बनाने की सोची, तो कुछ समय बाद अक्षय कुमार ने भी इसी कॉन्सेप्ट पर फिल्म अनाउंस कर दी। फिर क्या था, अजय देवगन एक बार फिर अक्षय कुमार से चिढ़ गए। इन दोनों के बीच मानो कोल्ड वॉर शुरू हो गया। हालांकि कुछ कारणों की वजह से दोनों ने ही इस कॉन्सेप्ट पर कोई फिल्म नहीं बनाई। हमें लगा था कि अजय देवगन और अक्षय कुमार की दुश्मनी यहीं खत्म हो जाती, लेकिन एक बार फिर जब अजय देवगन ने बैटल ऑफ सारागढ़ी पर फिल्म बनाने की सोची, तो करण जौहर और सलमान खान ने भी इसी कॉन्सेप्ट पर अक्षय कुमार को लेकर फिल्म बनाने की अनाउंसमेंट कर डाली। ये बात जब अजय देवगन को पता चली तो वो चिढ़ गए, लेकिन उन्होंने अपनी डिसअपॉइंटमेंट सलमान खान को बताई, जिसके बाद सलमान ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। पर करण जौहर और अक्षय कुमार ने ये प्रोजेक्ट तब भी जारी रखा और इसी के साथ जारी रही अजय देवगन और अक्षय कुमार की दुश्मनी भी। आपको क्या लगता है, इस पर कमेंट कीजिए और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।